विपक्षी एकता को लेकर नवीन पटनायक से मिले नीतीश कुमार, जाने ओडिशा और बिहार के सीएम ने क्या कहा। विपक्षी एकता की कसम, एक मुलाकात जरूरी है हेमंत, नीतीश ने हेमंत सोरेन को दिलाई पुराने रिश्ते की याद। नीतीश कुमार का विपक्षी एकता को एकजुट करने का सिलसिला जारी, मिशन 2024 की फुल तैयारी। मिशन 2024 का प्लान तैयार, महागठबंधन बनाम बीजेपी की होगी लड़ाई, टेंशन में मोटा भाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, मकसद एक ही है कि किस तरह सबको एक साथ लाया जाए और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में लड़ाई लड़ी जाए। नीतीश कुमार ने हाल ही में दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। कांग्रेस से नीतीश कुमार को जिम्मेदारी दी गई थी, जिनका सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी से नाता नहीं है, उनके साथ वो बातचीत करे, सहमति के बारे में बात करे। इसी को लेकर वो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से भी मिल चुके हैं। इसके पहले 5 मई को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से नीतीश कुमार मिलने वाले थे, लेकिन समय नहीं मिलने के चलते ये मुलाकात स्थगित हो गई थी। और अब एक नई तस्वीर सामने आ गई है, नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र में जाकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की है। हालांकि ओडिशा के सीएम से नीतीश कुमार की मुलाकात भुवनेश्वर में हुई। इसके पहले नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उसी दिन यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद नवीन पटनायक ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भुवनेश्वर में मिलकर अच्छा लगा। बिहार और सभी पड़ोसी राज्यों के साथ ओडिशा का अच्छा संबंध है। उम्मीद है कि नीतीश कुमार का ओडिशा आना सुखद और फायदेमंद रहा होगा। नवीन पटनायक से मिलने के बाद नीतीश कुमार झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ करीब 1 घंटे तक मिले और देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और बिहार झारखंड के बीच परस्पर सहयोग पर चर्चा की। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह उपस्थित थे। नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन ने मुलाकात के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकजुटता बनाने पर सहमति जताई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि देश में दिनों किस तरह की राजनीति चल रही है सभी को पता है। आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, पूरे देश का इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। सभी विपक्षी पार्टियों के बीच विचार विमर्श का सिलसिला चल रहा है, अगली बार के लोकसभा चुनाव में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। देश का इतिहास कायम रहेगा, आपस में विवाद पैदा करने की कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में आज रांची में सीएम हेमंत सोरेन से भी अच्छी बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन से उनका पुराना रिश्ता रहा है, शिबू सोरेन ने उन्हें पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने में मदद की थी। हालांकि ये सही है कि ज्यादा दिनों तक सरकार नहीं चली, लेकिन ये सच्चाई है कि जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन उन्हें काफी मानते रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि आज तेजस्वी यादव भी साथ में आए हैं, उनके पिता लालू प्रसाद यादव से भी पुराना रिश्ता रहा है, सभी ने जेपी मूवमेंट में मिलकर काम किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाली विचारधारा को मजबूत बनाने की जरूरत है। इस सिलसिले में पूरे देश में विपक्षी दलों की भूमिका और सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, इसे लेकर कई दिनों से चर्चा जारी है। अब ये चर्चा रांची पहुंची है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पुनः बैठक होगी, जिसमें सभी समान विचारधारा वाले दलों के बीच आपसी सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अभिभावक की भूमिका में है। आज की बातचीत काफी सार्थक रही।